हर कपल का रहता है शादी के बाद, उनके बड़े बुजुर्ग उनको बोलते हैं कि अभी तुम बच्चे प्लान कर लो, लेकिन वो क्या बोलते हैं, नहीं अभी तो जस्ट शादी हुई, अभी हमें टाइम चाहिए। और पता चला कि जो कपल था उसका तो फर्टिलिटी स्कोर ही बहुत खराब था, तो एक साल के बाद जब उसने प्लानिंग करनी शुरू की तो एज इट इज उसको बच्चे ही नहीं ठहरे, बिकॉज जो उसके एग्स थे या स्पर्म थे वो खत्म हो चुके हैं। तो अगर दोनों ही हस्बैंड वाइफ थैलेसीमिया मेजर होते हैं तो ऐसे चांसेस होते हैं कि उनके बच्चे थैलेसीमिया मेजर ही पैदा होंगे और सब्सिक्वेंटली उनमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं या वो एक्सपायर भी हो जाते हैं। उस टाइम अगर एक महिला और एक पुरुष अगर साथ रहेगा तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं उनको प्रेगनेंसी ठहरने। प्रेग्नेंट कैसे बने, ये बहुत बड़ा और बहुत अहम सवाल है, और इसको जो कपल्स होते हैं वो बहुत लाइटली लेते हैं इनिशियली शादी के बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मैं एडवाइस करूँगी हर कपल को, वो प्रेगनेंसी ट्राई करें या नहीं करें, लेकिन शादी के पहले, इमीडिएटली पहले या शादी के इमीडिएटली बाद, तुरंत बाद, वो एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट या एक अच्छे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिले, जो उनके बेसिक जो टेस्ट होते हैं वो करेंगे। और उन बेसिक टेस्ट करके आप सोचो एक तरह से उस पेशेंट का हम फर्टिलिटी स्कोर करेंगे। फर्टिलिटी स्कोर मतलब जैसे आप लोग स्कोरिंग करते हो कि एग्जाम में कितने मार्क्स आए, वैसे हम जो मेल पार्टनर है और जो फीमेल पार्टनर है उन दोनों की फर्टिलिटी स्कोरिंग होगी। फर्टिलिटी स्कोरिंग से हमें ये पता चल जाएगा सबसे पहले अहम बात कि आपके पास कितना टाइम है, आपकी एज तो इतनी है समथिंग एक्स वाई, और आपके ओवरीज या आपके स्पर्म्स की एज क्या है, या आपके पास जो आपका जो फर्टिलिटी क्लॉक है वो कितना तेजी से टिक कर रहा है, आपको क्या तुरंत प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए या आप अपने आप को टाइम दे सकते हो। जो हर कपल का रहता है शादी के बाद, उनके बड़े बुजुर्ग उनको बोलते हैं कि अभी तुम बच्चे प्लान कर लो, लेकिन वो क्या बोलते हैं, नहीं अभी तो जस्ट शादी हुई, अभी हमें टाइम चाहिए। और पता चला कि जो कपल था उसका तो फर्टिलिटी स्कोर ही बहुत खराब था, तो एक साल के बाद जब उसने प्लानिंग करनी शुरू की तो एज इट इज उसको बच्चे ही नहीं ठहरे, बिकॉज जो उसके एग्स थे या स्पर्म थे वो खत्म हो चुके हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले ये चीज़ है। सेकेंड चीज़ ये होती है कि कुछ टेस्ट होते हैं जो जिनको हम बोलते हैं प्री कंसेप्शनल टेस्ट। प्री कंसेप्शन, कंसेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी होना, प्री कंसेप्शन मतलब प्रेगनेंसी के पहले के टेस्ट, वो आपको एक तरह से मेडिकल फिटनेस देते हैं कि आपको प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन होगी या नहीं होगी, प्रेगनेंसी लाने में कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन होगी कि नहीं, आपका बॉडी टोटली फिट है कि नहीं। एंड थर्ड चीज़ ये है कि आपके जो बच्चे पैदा होने वाले हैं उनमें कोई आनुवांशिक तौर से कोई उनमें खराबी आएगी कि नहीं, ये 100% तो नहीं पर एक हद तक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर कपल दोनों ही मान लीजिए थैलेसीमिया मेजर है, उस केस में जैसे आप कुंडली मैच करते हो वैसे कपल्स की हम थैलेसीमिया की स्कोरिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज अगर दोनों ही हस्बैंड वाइफ थैलेसीमिया मेजर होते हैं तो ऐसे चांसेस होते हैं कि उनके बच्चे थैलेसीमिया मेजर ही पैदा होंगे और सब्सिक्वेंटली उनमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं या वो एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें पेशेंट को ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपका फर्टिलिटी स्कोर, आप मेडिकली फिट हो या नहीं हो, फॉर प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए आप फिट हैं कि नहीं, और आप नॉर्मल बच्चे दे सकते हैं कि नहीं। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रख करके डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। कपल को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस वक्त वो साथ रहे जिससे उनको प्रेगनेंसी होने में सफलता हासिल होगी, मीन्स उनका सक्सेस रेट होगा। एक जो महिला होती है उसकी साइकिल की आकलन, मतलब उसकी प्रेगनेंसी की आकलन जो एक साइकिल मीन्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो उसकी माहवारी मासिक आती है उससे आंका जाता है। तो पेशेंट को जो ब्लीडिंग होती है वो उसका पहला दिन काउंट होता है जब वो ब्लीड करती है। कपल्स के मन में तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आप ब्लीडिंग के टाइम ही साथ रहने से सबसे ज़्यादा बच्चा ठहरता है या ब्लीडिंग के पहले ठहरता है, कब ठहरता है, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन होती है। तो इसकी ये आंसर है कि जिन भी महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनको रेगुलर आता है, माहवारी जिनको रेगुलर आती है 28 डेज की माहवारी, उनकी जो ओव्यूलेशन होती है मीन्स जब अंडा फूटता है वो साइकिल के मिड मीन्स 14 डे पे फूटता है, 12 से 14वें दिन। जिनकी साइकिल इररेगुलर होती है उनकी आप उतने डेज उसमें ऐड करते जाओ आगे। जैसे अगर आपकी 5 डे की इररेगुलर साइकिल हुई तो मोस्ट प्रोबेबली उनका जो एग, जैसे कि अगर 35 डेज की साइकिल है, 30 डेज 28 30 डेज होनी चाहिए, 35 है तो 5 डेज और ऐड कर लो उसमें, मींस 17 10 टू 12 हम बोलते हैं, 12 टू 14 बोलते हैं, तो वो हो जाएगा आपका 17 टू 19 डेज। तो वो जो फीमेल है वो 17 टू 19 डेज पे ओव्यूलेट करेगी। ये ऐसे है कि अगर आप उसको खुद से काउंट करना चाहें तो
अगर आप उसको खुद से काउंट नहीं करना चाहे तो बेहतर है कि आप एक डॉक्टर के पास चले जाएं जो एक फॉलिकल मॉनिटरिंग स्कैन करके आपको बता सकता है कि वाइफ के अंडे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और अगर बन रहे हैं तो वो खुद से फूट रहे हैं या नहीं फूट रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं कि नहीं, फूट रहे हैं कि नहीं. तो पेशेंट के लिए जो मिड साइकिल का टाइम होता है, मीन साइकिल के जो बीच का टाइम होता है, अगर आप फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से काउंट करो तो वो सबसे ज्यादा फर्टाइल पीरियड होता है. मीन्स उस टाइम अगर एक महिला और एक पुरुष अगर साथ रहेगा तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं उनको प्रेगनेंसी ठहरने के. अगर आप उस टाइम से पहले या उसके बाद में साथ रह रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है. थर्ड चीज़ ये है कि अगर बहुत बार ऐसा होता है कि हस्बैंड ट्रैवल कर रहा है, वाइफ को बहुत एंग्जाइटी होती है कि हस्बैंड तो रहेंगे ही नहीं उस टाइम में जो उनका मिड साइकिल होता है, तो ये मैं उन सारी महिलाओं और पुरुषों को बता दूं कि एक शुक्राणु जो अंदर उनके बॉडी में जाता है, वजाइना के थ्रू यूट्रस में जाता है, वो 5 डेज एक स्पर्म सर्वाइव करता है. एग ही सिर्फ जो मैच्योर होता है और जो फूटता है वो कम देर के लिए, सिर्फ 24 आवर्स के लिए रहता है, लेकिन जो स्पर्म होता है वो पूरा 5 डेज अंदर रहता है. तो अगर आप थोड़ा ऊपर नीचे भी अगर आप साथ रहे हो तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है. ये मिड साइकिल आपको ध्यान रखना चाहिए और प्रेगनेंसी इससे आती है. सेकेंड चीज़ ये है कि उसमें कुछ ये भी नहीं आपको होता है कि आप हस्बैंड के साथ रहो तो आप बहुत देर लेट जाओ उसके बाद, तो अगर स्पर्म बाहर आ जाता है तो उससे प्रेगनेंसी नहीं आती, ऐसी कुछ भी बात नहीं होती. ये सिर्फ एक सुपरस्टिशन और एक भ्रांति है जो ऐसे घूम रही है कि नहीं वो सारा स्पर्म अंदर जाना चाहिए, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं. स्पर्म का जो वॉल्यूम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और प्रेगनेंसी आने के लिए तो आपको एक अच्छे स्पर्म की ज़रूरत होती है, वो सफिशियंट होता है जो अंदर चला जाए.